जो आगे का बन गई है वो पहले से शादीशुदा से पुरुषार्थ के बल पर छोड़ दे फिर बाद में। ये विमल समाज है, निर्दोष समाज है, वैतरागी समाज है। कितने जन ने बात को पकड़ा, वेरी नाइस। आगे चलते कहा तक आए, इस क्षण को एक बार फिर से पढ़ ले, फिर से पढ़ लीजिए आप। अकाम रंजु अमरुगम स्पंदर जनाम को पापायम प्रकटय दिवाभ्यंतरमति स्फुटम मूर्तिरस्य प्रशमितमयी वासि विमला महावीर स्वामी नयन बदनामी भवतु मे। अशांत मूर्ति है इनकी, इसलिए एक टूरिस्ट आए थे इंडिया में, उनसे एक इंटरव्यू हुई थी तो उन्होंने इंटरव्यू में एक बात कही थी, मैंने सभी भगवान की प्रतिमा देखी यहाँ पर, सभी सबसे प्यारे और मोहक मुझे लगी होगी तो जैन प्रतिमा अब्दुल कलाम के ऑफिस टेबल पर महावीर स्वामी की प्रतिमा निरंतर बनी रहती थी। और वे इवन जो कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनता है, लॉ कानून, कानून की जो पुस्तक है, पुस्तक के बिल्कुल फ्रंट पेज पर पंडित नेहरू के काल में जो बने पुस्तक है, बिल्कुल पहला रिपब्लिक डे बनाया गया था 48 को पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था संविधान, तो तब जो बुक बनी थी बुक के पहले फ्रंट पेज पर, फ्रंट पेज पर वो चित्र था महावीर का। समझे कैसे, नहीं कहना नहीं पड़ता। शस्त्रों को ले ले जो डरा हुआ, वस्त्रों को ले ले जिसको किसी की लाज रखती अथवा शीत उष्णता से घबराता हो। लेकिन इनको क्या, सभी क्षेत्रों को पछाड़ दिया इन्होंने, अभी क्यों हथियार देंगे। रतन टाटा का मैंने आपको बताया था, रतन टाटा ये टाटा कंपनी के मालिक, ये गए थे श्रवण देवगला प्रतिमा के सामने खड़े हुए, देखते रह गए आधा घंटा, उनको कितनी बार कहा छोटो छोटो समझ में नहीं आया। फिर बाद में बहुत उनको धक्के दे देते, एकदम जागृत जैसे हो गए, जागृत मतलब जागृत प्रशासन जाती थे, वो उठ गए थे देखकर, तो कहते हैं मुझे यहाँ पर बहुत आनंद हुआ है, आया है, ऐसा लग रहा है कि मुझे जीवन काल यही पर, मुझे इसी प्रतिमा के सामने मुझे जीवन काल करना है। समझ मरे छोड़े गए, आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हो। ये प्रतिमा इतनी प्रशांत मूर्ति है इनकी, देखो यहाँ पर तो क्या क्या डिटेल्स देखे अगर हमने इस क्षण में, इस क्षण में क्या देखा, आगे देखिए बस, और आप आगे आप उनकी चर्चा, आप थोड़ी बुद्धि लगाओगे और चर्चा आएगी, आप बुद्धि लगाओगे तो और अंगों पर उनकी चर्चा हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई थोड़ा आपको दू, खूब हो सकता है। जैसे देखिए आप जानते हो उनके नक खून, सॉरी नाखून और केश बढ़ते नहीं है, ये भी किसका निशानी है, ये आपको ढूंढ निकालना है। सब एक एक बॉडी फीचर का हो सकता है, नाखून और बाल बढ़ते नहीं है, ये काय का प्रतीक है। मैथिली शरण गुप्त नाम के एक साहित्यिक हुए, उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है, ये बाल होते हैं ना ये खून की विकृति होती है, नाखून या हड्डी की विकृति होती है, ये विकार इसके अंदर से जन्म जन्मते आप जानते ही है, आहार में आए तो इसका अंतरण हो जाता है। अरे जानते हो कि नहीं, ऐसा लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, हमारी हिंसा वृत्ति के कारण, ऐसा लिखा है उन्होंने, मैं अभी क्रिटिक करके दिखाऊंगा हमने। और आदमी उसको क्यों काटता है फिर, क्योंकि वो चाहता है हिंसा वृत्ति हमें ना बढ़े, इसलिए कितने जन बात को समझे, ये धीरे तो नहीं ऐसा लिखा, नाखून क्यों बढ़ते है, प्रकरणीय उनका
यदि हमारी हित वृत्ति को द्योतक है। आदमी क्यों काटता है? क्योंकि वो चाहता नहीं है हित वृत्ति अपने में बने रहे।